गई हूँ आप लोगों को बताने एक और खबर। हाँ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जो आपका फेवरेट सीरियल है जो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, हाँ जिसे आप लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं दोस्तों, जिसमें आती है वो बहुत ब्यूटीफुल बहुत इंटरेस्टिंग किरदार। हाँ दोस्तों, आप लोगों का फेवरेट सीरियल शादी मुबारक। शादी मुबारक में दोस्तों आप लोगों को पता है एक शो आता है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, उसमें आती है दोस्तों, उसमें आप देखते हैं प्रीति की कहानी। हाँ दोस्तों, प्रीति की कहानी में जो बहुत प्रीति का मुख्य हेल्प है, मुख्य आधार है दोस्तों, यानी कि जो प्रीति के समधन है दोस्तों, यानी कि राजेश्वरी जी। हाँ दोस्तों, जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत टैलेंटेड है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि राजेश्वरी जी के साथ हो गया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, राजेश्वरी जी को हो गया है दोस्तों कोरोना। हाँ दोस्तों, राजेश्वरी जी की तबीयत खराब थी, उन्हें सेट पर उनकी तबीयत सही नहीं लगी दोस्तों, और जब उनका टेस्ट कराया गया दोस्तों तो उनके निकला कोरोना। हाँ दोस्तों, इस तरह से सारे सेट पर मच गया हड़कंप। हाँ दोस्तों, और शादी मुबारक की शूटिंग रोक दी गई दोस्तों। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से, जिस हिसाब के गाइडलाइन है उस हिसाब से, अगर किसी इंसान को हो जाएगा कोरोना तो वहाँ पर रोक दी जाएगी शूटिंग उस शो की। हाँ दोस्तों, तो शादी मुबारक शो की शूटिंग रोक दी गई, और राजेश्वरी जी के साथ काम करने वाले सारे लोग जो भी उनके साथ शो में काम करते हैं, प्रीति जी, केटी और भी जितने भी सीरियल के अदाकारा हैं और अदाकारा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं दोस्तों, सभी ने कराया है कोरोना टेस्ट। और तो और दोस्तों, उनके घर वालों ने भी, यानी कि उनके हस्बैंड वरुण बटोला और उनके बेटे ने भी कराया है दोस्तों कोरोना टेस्ट। हाँ दोस्तों, पर राजेश्वरी जी को हो गया है दोस्तों कोरोना, और कोरोना की वजह से उन्हें किया गया है, उनकी तबीयत के देखकर उन्हें किया गया है दोस्तों होम क्वारंटाइन। आप लोगों को पता है दोस्तों, राजेश्वरी जी के पति हैं वरुण बडोला। हाँ दोस्तों, वरुण बडोला वो भी कर रहे हैं एक शो, तो राजेश्वरी जी के कोरोना का असर एक शो पर नहीं दोस्तों, दो शो पर हुआ है। हाँ दोस्तों, राजेश्वरी जी को कोरोना हो गया, इसलिए शादी मुबारक की शूटिंग तो रोक ही दी गई है दोस्तों, पर जो शो राजेश्वरी जी के पति यानी वरुण बडोला जी कर रहे हैं दोस्तों, मेरे डेट की दुल्हन, उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रैक आने वाला है दोस्तों। उसमें होने वाली है गुनीत की और शादी। हाँ दोस्तों, उसमें मेरे डेट की दुल्हन में गुनीत जी की और उनके डैड की, जो डैड बने हैं वरुण बडोला जी, उनकी शादी होने वाली है दोस्तों। पर वरुण बडोला जी ने अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में से ऊपर रखा उनकी पत्नी को। हाँ दोस्तों, वरुण बडोला जी से जब हमारे लोगों ने कॉल कर बात की दोस्तों, हमारी टीम ने, तो उन्होंने बताया कि उनके लिए उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा सही है, इस पत्नी की तबीयत का ख्याल रखना ज़्यादा सही है, और वो हमेशा पत्नी के साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो भी अभी कुछ दिनों के लिए सेट पर, यानी कि मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग रोकना चाहते हैं दोस्तों। हाँ, वो भी अभी कुछ दिनों के लिए मेरे डैड की दुल्हन के सेट पर नहीं जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बात हमें खुद वरुण बडोला जी ने बताई दोस्तों। वो सच्ची में रियल लाइफ में हीरो नहीं, पर रियल लाइफ में भी हीरो है, जो अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए, उन्हें टेक केयर करने के लिए दोस्तों,
वो सेट पर नहीं जा रहे हैं और अभी वो मेरे डैड के दुल्हन की शूटिंग उन्होंने अभी मेरे डैड के दुल्हन के सेट से शूटिंग से उन्होंने जाने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी वो मेरे डैड के दुल्हन की शूटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पत्नी को ने कहा है कि उनकी पत्नी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो घर पर रहेंगे, वो अपनी पत्नी की केयर करेंगे और उनके बेटे की भी केयर उन्हें ही करनी है क्योंकि वो भी अभी छोटा ही है और वो उनके घर पर रहेंगे और अपनी पत्नी और अपने बेटे की केयर करेंगे। वैसे तो वो उनकी पत्नी की ज़्यादा केयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कोरोना हुआ है, तो कोरोना में उन्हें डिस्टेंस तो बनाना ही पड़ेगा। पर वो इस तरह से वो भी अभी शूटिंग पर नहीं जा रहे हैं, वो अपना सारा ध्यान अपना सारा वक्त वरुण वडोला जी अपनी पत्नी की केयर करने में और उनका ध्यान रखने में ही बिताना चाह रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो जैसे आप लोग सोचते हैं कि ये रियल लाइफ में ही नहीं दोस्तों, ये रियल लाइफ में भी हीरोज़ ही होते हैं। हाँ दोस्तों, तो वरुण वडोला जी जिनकी पत्नी राजेश्वरी जी, वरुण वडोला जी जो आते हैं मेरे डेट के दुल्हन में, जिनकी पत्नी राजेश्वरी जी आती हैं दोस्तों शादी मुबारक में, जो प्रीति की समधन बनी है और अब प्रीति की सहेली भी बनी है दोस्तों, वो उन्हें हो गया है कोरोना और उनके पति वरुण वडोला जी राजेश्वरी जी के केयर करना चाहते हैं और अपने बेटे की भी केयर करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग करने में। हाँ दोस्तों, वो अच्छी तरह से अपनी बीबी और अपने बेटे की केयर करना चाहते हैं और वो अभी शूटिंग नहीं करना चाहते दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हमें ये पता चला कि राजेश्वरी जी को हो गया है कोरोना और उससे मच गया है शादी मुबारक के सेट पर हड़कंप, क्योंकि शादी मुबारक के सेट की शूटिंग नहीं हो पाएगी। पर दोस्तों, उसका असर पड़ा है मेरे डैड की दुल्हन के सेट पर भी। हाँ दोस्तों, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग शादी का मोड़ आ रहा है, उसमें शादी हो रही है। हाँ दोस्तों, पर अब जब वरुण वडोला जी कुछ दिनों के लिए शूटिंग पर नहीं जा पाएंगे तो उन्हें शादी का ट्रैक थोड़ा डिले करना पड़ेगा और उसका असर उनके शो पर तो ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। पर एक उन्होंने अपना अच्छे पति होने का धर्म निभाया है दोस्तों और वो अपनी पत्नी की केयर कर रहे हैं दोस्तों, और वरुण वडोला जी अपना पूरा ध्यान अपनी पत्नी की केयर में और अपने बेटे की केयर में लगा रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हम भी जल्दी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से राजेश्वरी जी जल्दी से सही हो जाएं और अपने पति वरुण वडोला जी के साथ और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहें दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आपके सितारों की ऐसी ही खबरें जानी है अगर आपको, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आज की खबर तो यही थी कि राजेश्वरी जी को हो गया है कोरोना और उसका असर एक शो पर नहीं, शादी मुबारक शो पर नहीं दोस्तों, उसका असर पड़ा है दोस्तों मेरे डैड के दुल्हन पर भी। हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोगों को और भी ऐसी खबरें जानी है कि आपके सितारों की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, किसके लाइफ में हो रहा है लिंकअप, किसके लाइफ में हो रहा है ब्रेकअप, तो आप सब मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आती रहूं और आप लोगों को नई खबरें सुनाती रहूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हम भी जल्दी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से राजेश्वरी जी सही हो जाएं और अपने काम पर वापस लौटें और आप लोगों को आपके फेवरेट शोज शादी मुबारक और मेरे डैड के दुल्हन में और भी इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिलते रहे दोस्तों। तो तब तक मैं जाती हूँ आप लोगों के लिए और नई खबरें लाती हूँ। तब तक यू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड कमेंटेड। तब तक दोस्तों, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।